पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। सभी को पता है जीत किसकी हुई है। अच्छे अच्छे चुनाव विश्लेषक बैठे हुए हैं, एग्जिट बोर्ड भी आए, सब कुछ आया। सबने अपने अपनी राय दी और नतीजा तो सबके सामने कल आ ही चुका है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते इन चुनावों में जिसकी जीत हुई है, जिसकी हार हुई है, उसके पीछे वजह क्या है, एक आम नागरिक के नजरिए को मैं अपने वीडियो के माध्यम से रखने की कोशिश करूंगी। आज सभी को भगवा प्रणाम, क्योंकि चारों दिशाओं में आज सिर्फ भगवा रंग छाया हुआ है और चारों दिशाओं में एक ही नाम गूंज रहा है, जय श्री राम। इसीलिए सभी को हमारा भगवा प्रणाम। खुशी तो होती है जब आपकी आवाज को और आपके हर अधिकार को एक साथ अधिकार मिलता है और उसको ताकत मिलती है, तो निश्चित रूप से खुशी तो होती ही है। और भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे वजह ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जो उनके विरोधी हैं वो भी इसको जानते हैं। और लेकिन मैं यहाँ पे बात राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की भी करूँगी थोड़ा सा अपनी वीडियो के माध्यम से। और जो एक नई राजनीति का उदय हुआ है आप पार्टी के रूप में, थोड़ा उस पर नज़र डालने की कोशिश करूँगी। भारतीय जनता पार्टी, पहले तो मैं ये कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वो सनातन के साथ ही नहीं आई, वो विकास और सनातन दोनों और हिंदुत्व को साथ लेके आई। और इसका मतलब ये नहीं कि किसी और धर्म को किसी उन्होंने जो माइनर कम्युनिटी है उन्हें दबाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है। उन्होंने हिंदू को बल तो दिया ही, विकास को बल तो दिया ही, उन्होंने किसी और माइनर कम्युनिटी को दबाने की कोशिश कभी नहीं की। मोदी जी ने, हम ये हर बार कहते हैं, उन पे हर बार इल्जाम लगता है, हमें लोग अनभक्त गोबर भक्त सब कुछ कहते हैं, लेकिन आज हमें नाज है अपने निर्णय पे। जिस तरह से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सभी का साथ मिला, उस पे हमें नाज है। कोई अंधभक्त कहे, कोई गोबर भक्त कहे, हमें इस देश में एक ऐसे शासक की जरूरत है जो हमारे देश को विकास के साथ साथ हमारे धर्म को भी साथ लेके चले। शास्त्र और शस्त्र दोनों साथ में लेके चलने वाला शासक हमें चाहिए था, वो हमें मिले मोदी जी के रूप में। और अब हम योगी जी के रूप में जो उदय हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि योगी जी सिर्फ मोदी जी के उत्तराधिकारी ही नहीं है, वो हमारे इस देश का भावी शासक भी हमें उनमें नजर आ रहा है। हमने खुद उत्तर प्रदेश में देखा है कितनी चोरियां डकैतियां, किस तरह का माहौल था। 5 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतने बड़े राज्य में छुटपुट घटनाएं तो हो ही जाती हैं, बहुत ही बखूबी से संभाला उसे योगी आदित्यनाथ जी ने। यही वजह थी वो वापस लोगों ने वापस लेके आए। और मोदी जी ने हर तबके का ध्यान रखा, उन्हें भरोसा आखिर उन पे ही था, भारतीय जनता पार्टी पे। हर गरीब मजदूर जो भी लाचार लोग हैं सबको सहारा दिया, कोरोना काल में सबको मुफ्त का राशन दिया। हमने कभी कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं सुना, जब भी मुझसे बताया लोगों को भूखे मरते हुए देखा है। और वहां भ्रष्टाचार इस हद तक था कि अगर कोई सुविधा दी भी जाती थी वो गरीबों तक कभी नहीं पहुंचती थी। और ये बड़े बड़े चुनाव विश्लेषक जो भी कहे, ये पत्रकारों का काम है ग्राउंड रिपोर्ट देना, लोगों के घरों तक जाना। एक आम नागरिक होने के नाते जो हमने लोगों से पूछा, लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का नाम लिया कि, और इतना कहेंगे कि हिंदुस्तान की जनता नमक हराम कभी नहीं हो सकती। उन्होंने सीधे से कहा, राशन दिया है, गैस फ्री दिया है, और साथ ही वो हमारी धर्म की रक्षा भी कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं, मैं बार बार कहती हूँ, उन्होंने कभी माइनर मेजोरिटी माइनर जो कम्युनिटी है उसके दबाने की कोशिश कभी नहीं की। सुविधा हर धर्म हर जाति को बराबर मिली है, यही वजह है कि हम योगी जी को मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में और भारत वर्ष के आने वाले शासक के रूप में देख पा रहे हैं। कांग्रेस की हार की वजह किसी को कोई जानबूझ के अनदेखा करने की कोशिश करें, मैं तो कह रही सबसे बड़े दुश्मन वही हमारे देश के हैं, जो राहुल गांधी को जबरदस्ती नेता बनाने के चक्कर में। जिस तरह से उनकी सोशल नेटवर्क साइट पे उनकी एक फोटो वायरल हो रही है, और मैंने कल अभिषेक शर्मा का शो भी देखा था और एक जगह भी देखा था कि उन्होंने वो सच में, मैं मुझे पहले लग रहा था कि ऐसे फोटोशॉप किया होगा, लेकिन वो सच में था। एक दिन पहले जबकि
एग्जिट पोल भी आ चुके थे वो एक दिन पहले, मस्त बैठ के अपना आइसक्रीम कुल्फी का मजा ले रहे अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में। इससे साफ लगता है हम कई दफे बोल चुके और लोग हर बार लोग भी बोलते हैं और हम भी कई दफे चीज को बोल चुके कि उनके कोई रुचि नहीं है राजनीति में, ये लोग जबरदस्ती उन्हें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश का पत्रकार अपने आप को जो ईमानदार पत्रकार कहते हैं, अगर उन्हें मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कोई विपक्ष को खड़ा करना है तो कोई मजबूत विपक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनके पीछे जबरदस्ती ये क्यों लगे हुए, कभी ये राहुल को लाते हैं कभी ये प्रियंका को, जबरदस्ती उनकी किसी की कोई रुचि नहीं है। ये बहुत ज्यादा बहुत क्लियर है क्योंकि उन्हें उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये हर बार बोलते हैं राहुल ने ये कर दिया, राहुल ने कुछ नहीं किया और ना वो करना चाहता है, ये तुम लोगों की जबरदस्ती। अगर तुम सच में अपने आप को ईमानदार या राष्ट्रीय ऐसे कहना चाहते हो तो राहुल गांधी के बजाय किसी और पे अपनी मेहनत करो, ताकि आप वर्तमान में जो पार्टी है सत्ता में उसके अगेंस्ट एक मजबूत विपक्ष खड़ा कर पाओ, इतना तो साबित करो। हम नहीं कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का लोग, हम एक पे ही विश्वास करें, एक लोकतंत्र कहाँ रहेगा फिर अगर दूसरा पार्टी मजबूत नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो मजबूती नहीं होगी तो फिर एक ही पार्टी पे हमको हम लोकतंत्र नहीं दे सकते, अगर देंगे तो फिर वो मनमानी कहीं ना कहीं करेंगे। माना हम भारतीय जनता पार्टी के घोर समर्थक हैं लेकिन हम इस देश के लोकतंत्र पे पूरा भरोसा करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, और लोकतंत्र होना भी चाहिए, तभी होगा जब दूसरी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होगी सवाल पूछने वाली। इस हिंदुस्तान के अंदर लोग अगर आते हैं तो हिंदुत्व को दबाने की कोशिश करते हैं, जात पात की राजनीति उन्होंने की, हिंदू को हंसी पे जाते हुए हमने देखा है। हमें देश के विकास के साथ साथ अपने धर्म को भी रक्षा करने वाला भी शासक चाहिए, ये लोगों को समझना चाहिए। और धर्म और राष्ट्र ये तभी विकास करेगा जब नीचे से लोग उठेंगे, जब गरीबों को की सुनी जाएगी, जब गरीब जब उठेगा तभी नींव मजबूत होगी। ये मोदी जी ने पकड़ा या कोई और पकड़े, कौन सी जगह ऐसी है दुख दर्द तकलीफ है कहाँ पे ऐसा है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं नजर आए, वो हर जगह नजर आए, वो हर रूप में नजर आए, यही वजह है इतनी जीती बड़ी जीत की। अखिलेश यादव जी जब जब ये पहले पहले आए थे, जब सत्ता में आए थे पहले पहले, तो हमें इन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता था, लोगों ने मांग की मुलायम सिंह यादव जी को किसे कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि यंग थे वो, तब 40 के भी नहीं थे वो, और 40 से कम की उनकी उम्र थी, लोगों को चाहिए लगा कि एक जवान युवा हमें मिलेगा राजनीति में मुख्यमंत्री के तौर पे, युवा वो इस प्रदेश को बहुत अच्छे से संभालेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने पिताजी के ढरे पे ही लोग उन्होंने जनता की सुनी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, और उन्होंने अपने पापा के ही ढरे पे राजनीति को ले गए, बल्कि मैं कहूँगी उन्होंने और उसके बदतर कर दिया। और दोबारा जब चुनाव 2017 के होने थे उससे पहले पहले किस तरह का ड्रामा फैमिली ड्रामा हुआ सड़क पे, जो जो इंसान फैमिली ड्रामा को सड़क पे ले आएगा वो कैसे राज्य को संभालेगा, कैसे देश को संभालेगा, कैसे हम अपने भावी नेता उनमें देखेंगे, और ये छवि भी उन्होंने खराब की और देश की हालत राज्य की हालत उन्होंने खराब कर दी थी, क्योंकि हम प्रदेश में रहते हैं हमें पता है क्या हालात होते थे पुलिस चौकियों में थानों में, उन्होंने कहीं कोई कंट्रोल नहीं किया, उनका सिर्फ अपना एक ही था कि हमें सत्ता चाहिए, इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा तभी हो पाएगा। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि वो भी इसी देश के हैं, वो भी अगर इस तरह से काम करते हैं तो हम उनका भी समर्थन करेंगे, हमें तो काम करने वाले चाहिए ना। राहुल गांधी पे आज सवाल उठ रहे हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी जी का बेटे का वो छुड़ता नहीं है, आज फिर राहुल गांधी के जो 223G के जो सदस्य थे मनीष तिवारी वरिष्ठ नेता है वो कांग्रेस के, उन्होंने बोला है कि राहुल से पूछो हमारी पार्टी का हाल ऐसा क्यों हुआ है। आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं उसे भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मैं हम अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन या तो ये विकल्प देश को शिखर पे ले जाएगा या तो गर्त में ले जाएगा, दोनों चीज हो सकते हैं। जिस तरह की फ्री की राजनीति ने उसका उदय हुआ है हमारे देश में, ये घातक भी हो सकता है। और अगर लोग ये कह रहे हैं कि हाई फाई वो पढ़े लिखे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा उच्च शिक्षा उन्होंने ली है, अगर उसको एक बैलेंस बना के चलते हैं
इधर से अगर वो फ्री का दे रहे हैं, दूसरे तरह से अगर वो रोजगार पे उद्योगों पे ध्यान देते हैं तो बैलेंस बनता चला जाएगा। ये सवाल पत्रकारों को पूछना चाहिए अरविंद केजरीवाल से, लेकिन पत्रकार ऐसा पूछेंगे नहीं। रवीश कुमार जी का भी मैंने कल देखा था, वो पूछेंगे नहीं कि तुम इसको ये फ्री का जो तुम बांट रहे हो इसको आप इसकी भरपाई कैसे करोगे। उन्होंने दिल्ली में भी फ्री की राजनीति दी है और पंजाब में उनके लिए ये चुनौती भी है, क्योंकि दिल्ली में हर बार केजरीवाल जी का ये बहाना रहा है कि मेरे हाथ में पुलिस नहीं है, मेरे हाथ में पावर नहीं है। अब उनके हाथ में सब कुछ पावर है, सब कुछ है, पुलिस उनके हाथ में सब कुछ। अब वो देखते हैं वहां पे वो किस तरह की राजनीति करते हैं, किस तरह से वो प्रदेश को संभालते हैं। और ये फ्री का जो राजनीति का उदय हुआ है हमारे देश में, ये क्या रंग लाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि राजनेताओं से ज्यादा पत्रकारों से डरने का की जरूरत आज है, और हमें सवाल पत्रकारों से पूछना चाहिए जो पत्रकार उनसे नहीं पूछे कि किस तरह से आप इस फ्री की राजनीति से देश का विकास कर पाओगे। लेकिन जनता को सजग रहना पड़ेगा, जनता को ये देखना पड़ेगा कि ये फ्री की राजनीति हमें फायदा कर रही है या नुकसान कर रही है। अगर फायदा कर रही है तो सही, निश्चित रूप से उसका साथ दो। अगर ये नुकसान कर रही है तो देश कल को गर्त मच जाएगा। हमारा देश अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या बहुत हमारे देश में, हमारे देश को अभी बहुत जरूरत है विकास की, नीचे से और ऊपर से। अभी एक कोरोना ने और मार दिया है तो आम जनता को इस पे नजर रखनी पड़ेगी, और किसी पे भी अंधा भरोसा हमें नहीं करना चाहिए। और हम जब भी बीजेपी कुछ भी गलत करती है, हम बीजेपी के घोर समर्थक है, लेकिन जब कुछ गलत होता है हम जरूर उस पर आवाज उठाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इस जीत में सभी का योगदान है, उनके साथ साथ हम लोगों सबसे ज्यादा पोस्ट हमने डाली थी, सभी ने डाली, सभी का योगदान है, इसलिए सभी को बधाई। और उत्तराखंड में फिर से एक रिकॉर्ड बना है, इतिहास रचा है। उत्तराखंड में कभी भी उत्तराखंडी किसी को दोहराते नहीं है, उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करके दोहराया है, दोबारा बीजेपी को सत्ता दिया। और वही उत्तर प्रदेश में भी एक करिश्मा हुआ है, 85 के बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ जिताया नहीं है, भारी भरकम सीटों के साथ दोबारा सत्ता दी है। ये भरोसा है जनता का नेताओं से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस भरोसे को कायम रखेंगे और मजबूत करेंगे। जय श्री राम। चुनाव आ गए, परिणाम आ गए, लेकिन आम जनता को अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी। राहुल अखिलेश जैसे राजनीति हमारे देश में कितना काम करेगी, इनको ये तो सिखा दिया लोगों ने कि इस तरह की राजनीति तो नहीं चलेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति सही है या गलत है, इस पे हमें नजर रखनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये बहुत नुकसान करेगा हमारे देश में आने वाले वक्तों को। क्योंकि जनता की भागीदारी होनी बहुत जरूरी है, ना तो हम पत्रकार पे भरोसा करते हैं और नेता तो ऐसे होते ही हैं। जय श्री राम। मेरी वीडियो या मेरे विचारों में आप थोड़ा सा भी इतफाक रखते हैं, सहमत होते हैं, तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे पता चलेगा कि मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो एक परिवार की तरह होता है, अच्छा लगता है। जय श्री राम।